Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Ram Lukman, your science teacher. आज का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहले हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं. तो हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, कीमियाई तौर पर आपस में कंबाइन होकर जनाब वो बनाते हैं नया सब्सटेंस. तो नया सब्सटेंस जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको बनाने वाले कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होती है. तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का. तो यहां पर मैंने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है क्या कि द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो ये तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है जैसा कि मैंने बताया था. अब केमिकल रिएक्शन में मैंने ये बताया कि यानी टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन यानी विद ईच अदर. तो इसमें जाहिर सी बात है कि केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे. हम कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. ठीक है, इसी तरह जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में नए सब्सटेंस बनते हैं तो उनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का. तो हम क्या कहेंगे, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन. कि रिएक्शन के नतीजे में नए बनने वाले सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. तो उसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन से मतलब है. तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है, किसे कहते हैं. ठीक है, तो हम कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज एंड साइंस यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस. यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को जब आप एलिमेंट्स की या एटम्स के सिंबल्स और साइंस की मदद से जब आप रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उनके दरमियान आप एरोहेड लगाते हैं जो रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है. जिसमें आप जो है वो साइंस भी इंडिकेट, साइंस भी जो है वो शो करते हैं जो कि किसी एलिमेंट या एटम की फिजिकल स्टेट को शो करता है. तो ये तो थी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन. अब हम चंद एग्जांपल्स देखते हैं यानी केमिकल इक्वेशन से मतलब. यहाँ पर देखें कि सल्फर यहाँ पर नीचे स्मॉल एस जो है वो इसकी फिजिकल स्टेट को जाहिर कर रहा है. यानी सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन चूंकि गैस है तो सल्फर और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि गैसियस स्टेट. ठीक है, इसके बाद दूसरी एग्जांपल मैंने केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन की लिखी है उसमें क्या है कि जिंक जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ठीक है, जिंक चूंकि मेटल है इसलिए इसके नीचे मैंने सॉलिड को इंडिकेट करने के लिए स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है. तो जिंक का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है. यानी जिंक सल्फेट बनेगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज. ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यानी केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज जैसा मैंने डेफिनेशन में भी बताया. अब हमने देखना है कि तमाम के तमाम जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस नहीं होती बल्कि उन्हें बैलेंस किया जाता है. तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो तरीकेकार है, जो मेथड यूज किया जाता है,
उसके जरिए जो है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को जो है वो हम चेंज करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने देखना ये है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम कहेंगे द यूज ऑफ कोएफिशिएंट टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन अ केमिकल इक्वेशन, कि किसी केमिकल इक्वेशन में एरोहेड के दोनों साइड पर, बोथ साइड्स ऑफ एरोहेड या बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन, यानी हमने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से पहले जो है वो कोएफिशिएंट यूज करके इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर भी हम अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहां पर देखें सल्फर का वन एटम है, ऑक्सीजन का वन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर जो है वो ऑक्सीजन के टू एटम्स है। तो यहां पर हम कोएफिशिएंट, बल्कि ये ऑक्सीजन को हम हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये O2 होगा। इस सूरत में हम देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई, ठीक है। इसी तरह जिंक यहां पर वन एटम शो हो रहे, ठीक है, तो यहां पर भी प्रोडक्ट साइड पर भी जो है वो जिंक के वन एटम, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन के जो है वो टू एटम्स है, तो वहां पर भी हाइड्रोजन के टू एटम शो हो रहे हैं। सल्फर वन एटम, वहां पर भी वन एटम, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी फोर एटम जो है इस इक्वेशन में शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी, उसके बाद हम ये देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो याद रखें कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें यानी बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन के, रिएक्शन के दोनों तरफ या एरोहेड के दोनों तरफ जो है राइट साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी या रिएक्टेंट साइड पर भी, प्रोडक्ट साइड पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को हम देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल है, यानी दोनों तरफ ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स और इक्वल और नॉट। अगर दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर रिएक्शन के दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो जरूरत इस बात की होगी कि उसे बैलेंस किया जाए। तो फिर जनाब इस प्रोसेस के जरिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं कोएफिशिएंट यूज करके। तो यानी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के लिए जो वर्किंग रूल्स हैं अब हम स्टडी करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द वर्किंग रूल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला जो इसमें रूल है वो क्या है कि सबसे पहले आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और जनाब उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये सबसे पहला पॉइंट क्या पड़ा कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और फिर दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। जैसे मैंने अभी उस रिएक्शन में जो है यानी ऑन बोथ साइड जो है वो नंबर ऑफ एटम को काउंट करके देखा था कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस, ठीक है। तो यानी सेकंड जो रूल है वो क्या है कि वर्क विद वन एलिमेंट, यानी एक वक्त में एक एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश है, ठीक है, मल्टीप्लाई द सिंबल और फॉर्मूला विद सुटेबल इंटीजर्स जिसमें टू थ्री फोर फाइव एटसेट्रा, यानी डिफरेंट इंटीजर्स की मदद से आप जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल को
question where the number of atoms of a particular element is less and try to balance this element on both side. तो इस तरह से जो है number of यानी जो elements या atoms को आप क्या करेंगे equal करेंगे suitable integers की मदद से, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप जहां पर number of atoms कम होंगे तो वहां पर आप कोशिश करेंगे कि रिएक्शन के दोनों साइड्स पर यानी नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा पर्पस है इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, वन बाय वन, एक एक करके तमाम एलिमेंट्स को इसी तरह इक्वल करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जो हमने स्टार्ट में यानी पढ़ा, यानी वन बाय वन क्या करेंगे तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए इस प्रोसेस को क्या करेंगे रिपीट करेंगे. इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल फर्स्ट, यानी जैसे H2 है, N2 है, O2 है या Cl2 है. डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो यानी टू एटम्स पर मुश्तमिल, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एटम्स. तो सबसे पहले हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो यहां पर यानी हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी, वर्किंग रूल्स पढ़े, अब हम यानी एग्जांपल देख रहे हैं कि ये हमारे सामने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन शो किया गया जिसके नतीजे में अमोनिया गैस बन रही है. अब हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन के दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, अगर नहीं तो ये अनबैलेंस सिचुएशन होगी और फिर इसे जरूरत जो है वो किस बात की होगी कि इसे बैलेंस किया जाए. तो हम कहूँ सबसे पहले मैंने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के टू एटम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी टू एटम्स हैं, तो ये तो थे रिएक्टेंट साइड. अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन के यहाँ पर टू एटम्स थे तो प्रोडक्ट साइड पर जो है वो वन एटम शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन इज अनबैलेंस. इसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पर जो है वो टू एटम्स है जबकि प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन है थ्री एटम्स. तो इस तरह से पता चला कि हाइड्रोजन भी जो है वो अनबैलेंस है. तो अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसे हम बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है. यहां पर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के जो है वो टू एटम्स हैं और यहाँ पर थ्री एटम्स हैं. तो अगर मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट टू लगा देता हूँ और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो मैं थ्री लगाता हूँ, तो इस तरह से आप देखें कि हाइड्रोजन के यहाँ पर थ्री टू द सिक्स सिक्स एटम्स हो गए और यहाँ पर भी सिक्स हो गए. पता ये चला कि मैंने कोएफिशिएंट यहाँ पर थ्री और यहाँ पर टू जो लगाया है तो इससे हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई है और नाइट्रोजन आप देखें कि ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई. यहां पर मैंने कोएफिशिएंट 2 लगाया था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो जो कोएफिशिएंट लगता है वो किसी फार्मूला में मौजूद तमाम एटम्स के लिए काउंट होता है. तो ये मैंने हाइड्रोजन को काउंट किया 3 to the 6, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के भी काउंट होंगे 2 एटम्स. तो यहां पर ऑलरेडी जो है वो नाइट्रोजन के 2 एटम पहले ही मौजूद थे. इस तरह से हम कहते हैं कि नाइट्रोजन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस. तो ये थे वर्किंग रूल्स जिनकी मदद से हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए, ठीक है. उसके बाद हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के वर्किंग रूल्स को पढ़े. तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.